सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत करनी पड़ती है किस्मत बदलने के लिए, साबुन से हाथ धोकर भी कभी लकीरें नहीं बदलती। जब जिंदगी एक बार मिली है तो फिर बार बार क्यों सोचना। इंसान को अलार्म नहीं जिम्मेदारियां जगाती है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, झूठा गुरूर और अहंकार उसको तोड़ देता है। वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का पंचांग 14 अगस्त 2023 देश सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 10:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 11:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:32 से 9:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कर्क राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को सावन के छठे सोमवार की शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कुंभ राशि 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार, आज आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं। बाहर जाएं और दूसरों के साथ रहें। बाहर जाएं और दोस्तों के साथ रहें। नए और लाभदायक कनेक्शन बनाने के लिए यह एक आदर्श समय है। चोरी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें और घर पर ध्यान दें। घरेलू परेशानियों से निपटने के लिए रिश्तेदारों की मदद लें। जिम्मेदार रवैया, आत्मविश्वास और शक्ति की वजह से लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज आप सामाजिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी समस्या आ सकती है, इसीलिए अपना ध्यान रखें। अगर आपको कुछ सीखना है तो वक्त से सीखो, जो बदल कर मनुष्य को कई शिक्षाएं दे देता है। आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा, इससे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम लें और किसी और के चालों का शिकार ना बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगे। अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर और चिंता मुक्त दिन गुजार सकते हैं। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। घर की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसीलिए आज जितना हो सके अपने पैसों की बचत करने का विचार बनाएं। गुस्सेले बर्ताव के बावजूद भी आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कोई आपको दिल से सराहेगा। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इससे बेहतर होगा कि आप कहीं घूमने के लिए निकल सकती हैं या निकल जाएं। आज संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और वह उत्तम भी रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपके लिए धनदायक उम्मीदें साकार करेगी तथा अधिकतर समय बाहर की गतिविधियों में व्यतीत होगा। घर के वरिष्ठ लोगों का भी मार्गदर्शन रहेगा। जरूरत से अधिक एकांत में समय बिताने से दूसरों के साथ दूरियां बढ़ सकती है, अकेलापन बढ़ सकता है। अपने अनुभव को उपयोग करें, काम पर ध्यान दें वरना आगे चलकर नुकसान हो सकता है। पुरानी बातों को भूल कर नई ऊर्जा के साथ काम करें। जीवन में डिसिप्लिन बढ़ाने की जरूरत है। परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों का उत्साह कम हो सकता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पुराने अनुभव की वजह से नए रिलेशनशिप के लिए भी चिंता हो सकती है। बालों से संबंधित समस्या दूर करने की भी कोशिश करें। आज आपका आत्मविश्वास और साहस बना रहेगा। राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग बैठक में भाग लेंगे। आपको सम्मान मिलेगा और नई जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। आज जटिलताएं समस्या का हल प्राप्त करें। सावधानियां, भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटकर व्यर्थ की बातों में अधिक लगेगा, जिसकी वजह से उनके अध्ययन में नुकसान हो सकता है। गैर कानूनी कामों में ना उलझें। इस समय किसी को भी उधार देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक समस्या के बीच चल रहे मन मुटाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। डिनर अथवा कोई मनोरंजन प्रोग्राम बनाना संबंधों की कटुता को दूर करेगा। आपके करिश्मे और आकर्षण के कारण नया विशेष संबंध बनने का योग है। अपने साथी को खुश करने के लिए आप अभी कुछ अलग करना चाहते हैं। उन्हें मूवी दिखाएं या उनको शॉपिंग पर लेकर जाने से आपका दिन बन जाएगा। आज के दिन जिम्मेदारी और दिल के डील के बीच में अधर झूलता रहेगा। आपके प्रियजनों को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सब आपकी ईमानदारी की सराहना करते हैं, किंतु आज अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अपने जीवन साथी की तारीफ करें, उसे पैम्पर करें ताकि उसे अच्छा लगे और आपका भी दिन बन जाए। अपने आप को उदास महसूस ना करें, क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरीके से नहीं रही जिस तरह से आपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए, शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। बात करते हैं करियर की। आप अपनी समक्षकों के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं और आज आपकी यात्रा एक संतोषजनक स्थिति पर समाप्त होगी। आप उस पुरस्कार राशि के लाभार्थी हो सकते हैं जो इस साझेदारी का नतीजा है। आपका एक करीबी सहयोगी आपको अपना समर्थन देने के लिए विशेष शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कर आपको सम्मानित कर सकता है। अभी आपका ध्यान अपने रिश्ते और नेटवर्किंग पर है। आज आप अपने आकर्षण व करिश्मे से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। लग व्यापार और करियर की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। अतिरिक्त आय के लिए स्वरोजगार या फ्रीलांसिंग के बारे में सोचें। आज का दिन डिमांडिंग है, लेकिन फिक्र ना करें, चीजों को हल्के में लें, क्योंकि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। आप शांत जीवन और परिजनों की खुशियां चाहते हैं, बस अपना ख्याल रखना ना भूलें। नए व्यापार संबंधों और सौदों पर काम करने का समय सही नहीं है। कार्य संबंधित यात्राएं सकारात्मक परिणाम देंगी। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी हो सकता है, ध्यान रखें। कारोबार में कोई भी डील फाइनल करनी हो तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऑयल आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। हर काम में पेपर संबंधित काम पूरी तरह व्यवस्थित रखें। अचानक कोई उपलब्धि मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। छाती से संबंधित परेशानी जैसे जुखाम से अपने आप को बचाकर रखें। आपको अपने खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। आयुर्वेदिक इलाज लेना भी बेहतर है। आप पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच का असंतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के पूरा न होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप अब शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आज का उपाय। आज अब शिवलिंग पर पंचमृत और बेलपत्र और फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।